हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन कुमार, वेलकम टू हाई ग्रेड। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 12th की फर्स्ट बुक पॉलिटिकल साइंस, जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है द एरा ऑफ कोल्ड वॉर, यानी शीत युद्ध का दौर। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा दोस्तों, वो होगा क्यूबा मिसाइल संकट 1961 to 62। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, थैंक यू। तो क्यूबा मिसाइल संकट, अब क्यूबा मिसाइल संकट पे जाने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कोल्ड वॉर क्या है, यानी कोल्ड वॉर जिसको हिंदी में बोलते हैं शीत युद्ध। अभी शीत युद्ध होता क्या है? शीत युद्ध वह स्थिति है जिसमें कि दो या दो से अधिक देश हथियारों का यूज नहीं करते, लेकिन जो आपसे जो गर्मा गर्मी का माहौल है वो बना रहता है, यानी इसमें कोई रक्तरंजिश या सैनिक हथियारों का प्रयोग नहीं होता, लेकिन गर्मा गर्मी का माहौल रहता है। अब शीत युद्ध स्टार्ट कैसे हुआ? आपको पता होगा जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, ये हमारा हुआ था 1939 to 45, जिसमें हमारी 3 मेजर कंट्रीज थी, जिसमें एक था फ्रांस, जर्मनी एंड ब्रिटेन। तो ये 3 हमारी मेजर कंट्रीज थी जो जिनका वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत बड़ा रोल था। अब इसका जो अंत था वो कैसे हुआ था? जो अमेरिका है, अमेरिका ने परमाणु अटैक किया था किस पे? जापान पे। जापान की 2 सिटीज पे अमेरिका ने परमाणु अटैक किया था, और इसी के साथ जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, और इसी के साथ जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा खत्म हो गया। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के साथ ही जो शीत युद्ध है वो अस्तित्व में आया। ठीक है, तो हम ज्यादा डिटेल्स में ना जाते हुए हम देखेंगे इसका फर्स्ट टॉपिक क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट क्या है? तो दोस्तों, हमें ये पता होना चाहिए कि क्यूबा है क्या। क्यूबा अमेरिका के पास एक सटा हुआ, देखिए ये छोटा सा द्वीप, ये क्या है? ये क्यूबा है, जिसके नेता कौन है? क्यूबा के नेता का नाम था फिदेल कास्त्रो, जो यहाँ के राष्ट्रपति थे। और जो क्यूबा था वो किस विचारधारा को प्रमोट करता था? वो था साम्यवादी विचारधारा। ठीक है, अब ये किससे सटा हुआ द्वीप था? ये था यूएसए, यानी अमेरिका से सटा हुआ द्वीप। अमेरिका के नेता राष्ट्रपति कौन थे? जो क्यूबा के जो नेता थे फिदेल कास्त्रो, जॉन एफ कैनेडी। ठीक है दोस्तों, अब जो इनको ये डर था कि जो अमेरिका है, अमेरिका इस पे अपना वर्चस्व कर लेगा, इसको शासन से हटा देगा, इसका तख्ता पलट कर देगा और वहाँ पे अपनी सरकार बना लेगा। ठीक है, अब ये डर क्यूबा को सता रहा था, तो इसलिए ऑटोमेटिकली जो इसकी नज़दीकें हैं वो किसके प्रति होगी? सोवियत संघ के प्रति होगी, क्योंकि विश्व में 2 सुपर पावर बनने की ओर में 2 कंट्रीज थी, एक थी अमेरिका और पूर्वी दिशा में कौन थे? सोवियत संघ, जिसको आज के टाइम पे हम रूस बोलते हैं। तो अब जो क्यूबा था, क्यूबा को कूटनीतिक और वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता था? वो प्रदान करता था सोवियत संघ। किस लिए करता था? ताकि वो अमेरिका पे अपना दबदबा हासिल कर सके, क्योंकि क्यूबा अमेरिका का दुश्मन है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त। ठीक है दोस्तों, अब क्यूबा पे इसने क्या किया? सोवियत संघ ने क्यूबा में अपना सैनिक अड्डा बनाया, यानी मिलिट्री बेस बनाया, ताकि वो अमेरिका पे दोगुनी ताकत से हमला कर सके और उसमें अपना वर्चस्व स्थापित कर सके। अब इसने क्या किया सोवियत संघ ने? क्यूबा में अपनी 3 मिसाइलें तैनात की दोस्तों, परमाणु मिसाइलें। अब इस बात का अमेरिका को कोई खबर नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी, और अमेरिका को इस बात का पता लगा 3 हफ्तों के बाद। ठीक है, और इससे क्या था, जो सोवियत संघ था वो अमेरिका पर दुगनी पावर से हमला कर सकता था, यानी एक तरीके से ये था कि अगर ये मिसाइलें तैनात हो जाती, उस अगर वो हमला होता तो शायद अमेरिका का कोई अस्तित्व बचता पूरे विश्व में। अब इस बात से क्या थे, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, वो भी काफ़ी दुविधा में आ गए थे। जो सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव थे, वो भी एक तरीके से काफ़ी खुश थे कि भाई अगर हमला होता है तो पूरे विश्व में केवल एकमात्र शक्ति कौन बचेगा? सोवियत संघ बचेगा। लेकिन हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका के पास ऑलरेडी इतने हथियार थे कि वो मुकाबला कर सकता था, और पूरा जो विश्व था वो रिसेंटली ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर से उभरा था, और दोनों देशों ने जो एक विध्वंस होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वो देखा हुआ था। अब देखिए, जब अमेरिका को 3 हफ्ते बाद ये बात पता लगी, तो क्या था, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, इन्होंने निकिता क्रुश्चेव को एक चेतावनी देते हुए ऑर्डर जारी किया कि या तो सोवियत संघ अपनी इन मिसाइलों को यहां से हटा ले, या फिर एक परमाणु युद्ध के लिए तैयार रहे। ठीक है, अब क्या था, परमाणु युद्ध कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में परमाणु युद्ध का जो हथियार थे परमाणु, वो यूज हो चुके थे
जापान के ऊपर, और इससे कितना विध्वंस फैला था ये पूरे विश्व को पता है और शायद आज भी सबको पता है। तो दोस्तों जब इसने ये चेतावनी दी कि भाई या तो आप अपने हथियारों को यहाँ से हटा लो या फिर परमाणु युद्ध के लिए तैयार रहो, तो इस तरीके से ये जो निकिता खुश्रेव थे ये भी थोड़ी टेंशन में आ गई कि भाई अगर परमाणु युद्ध होता है तो अमेरिका तो जाएगा जाएगा, वो भी जाएगा, साथ में और कंट्रीज भी जाएंगी। यानी यहाँ पे आपको ये ध्यान देने की बात है कि ये भी पीछे नहीं हट रहा है और सोवियत संघ भी पीछे नहीं हट रहा है, लेकिन युद्ध कोई नहीं चाहता, वर्चस्व अमेरिका भी चाहता है और संपूर्ण वर्चस्व अपना सोवियत संघ भी चाहता है। तो अमेरिका ने जवाब में क्या किया, अमेरिकी जंगी बेड़ों को सोवियत संघ की तरफ भेजा गया। यानी जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, इन्होंने क्या किया कि अपनी जंगी बेड़ों को सोवियत संघ की तरफ समुद्र में उतार दिया, क्योंकि युद्ध की स्थिति तो बनी हुई थी, ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका हाथ पे हाथ धर के बैठा रहे। तो इससे क्या हुआ, पूरे विश्व में एक युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी दोस्तों, ठीक है। युद्ध की स्थिति यानी पूरा विश्व एक अशांति के दौर में था कि कहीं दोबारा से थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, दोबारा परमाणु युद्ध ना हो जाए। लेकिन इसमें एक ध्यान देने की बात यह है कि हालांकि युद्ध की स्थिति पैदा तो हुई लेकिन वॉर नहीं हुआ पहले जैसा। अब हमें यही सबसे मेन चीज है कि भाई अशांति पूरे विश्व में फैली हुई है, हर किसी देश को ये खतरा है कि दोबारा से परमाणु युद्ध ना हो जाए, दोबारा अमेरिका कोई परमाणु हथियार ना डाल दे किसी देश के ऊपर। लेकिन स्थिति पैदा हुई लेकिन वॉर नहीं हुआ, हथियारों का यूज नहीं हुआ। अब जो ये पूरी स्थिति थी इसी को क्या बोला जाता है, इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यानी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अब एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्यूबा मिसाइल संकट को क्या बोला जाता है, शीत युद्ध का चरम बिंदु, यानी क्लाइमैक्स ऑफ कोल्ड वॉर। यानी आपको अब आप बोलोगे कि शीत युद्ध तो 45 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये चरम बिंदु क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि जो शीत युद्ध की जो डेफिनेशन है, जो इसका एक मेन एक्चुअल मीनिंग है, वो हमें यहीं पे देखने को मिलता है क्यूबा मिसाइल संकट के दौर में। अब लेकिन दोस्तों आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो क्यूबा मिसाइल संकट है वो सिर्फ और सिर्फ हथियारों की होड़ का संकट नहीं था। यानी जो सोवियत संघ और अमेरिका थे, क्या ये सिर्फ हथियारों को लेकर ही इतने सुपर पावर बनने की होड़ में थे, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो अमेरिका है, अमेरिका किसको प्रमोट करता है, कौन सी विचारधारा को प्रमोट करता है, ये करता है पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म को। और जो सोवियत यूनियन था, सोवियत संघ किसको करता था, सोवियत करता था साम्यवाद विचारधारा को यानी कम्युनिज्म। तो ऐसी अनाबरी स्टार्टिंग से ही रही है, अमेरिका चाहता है कि पूरा वर्ल्ड कैपिटलिस्ट थ्योरी अपना ले, इसकी जो आइडियोलॉजी है वो सभी लोग अपनाएं, सभी देश अपनाएं। साम्यवादी रूस ये चाहता था कि जो उसकी आइडियोलॉजी है, जो उसकी विचारधारा है साम्यवाद की, वो पूरा विश्व अपनाए। तो एक तरीके से ये सिर्फ हथियारों की होड़ का युद्ध नहीं था, बल्कि एक तरीके से विचारधाराओं की होड़ का भी युद्ध था। क्योंकि इसमें क्या था, अमेरिका अपनी थ्योरी को इम्पोर्ट करना चाहता था, इसमें साम्यवाद अपनी आइडियोलॉजी को इम्पोज करना चाहता था देश के ऊपर। तो इस तरीके की जो स्थिति उत्पन्न हुई थी इसी को क्या बोला जाता है, कोल्ड वॉर बोला जाता है। अब इसमें जो मेन चीजें हैं दोस्तों वो आपको पता होनी चाहिए कि सोवियत संघ ने क्यूबा में अपना सैनिक अड्डा बनाया, क्यूबा के जो संबंध थे वो सोवियत संघ के साथ कूटनीतिक और वित्तीय संबंध थे, रूस उसको वित्तीय सहायता प्रदान करता था, इसने यहाँ पे मिसाइलें तैनात की जिसका अमेरिका को 3 हफ्ते के बाद पता लगा, जिससे कि वो अमेरिका पर दोगुने ठिकानों से हमला कर सकता था, ठीक है। इसी के साथ जब अमेरिका इससे चिंतित हो गया तो उसने चेतावनी भी दी कि या तो अपने हथियारों को हटा लिया फिर परमाणु युद्ध के लिए तैयार रहे। उसके बाद जंगी बेड़ों को सोवियत संघ की तरफ भेजा गया, ओके। तो ये जो पूरे गर्मा गर्मी का माहौल था इसे क्या बोला गया, क्यूबा मिसाइल संकट बोला गया। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और प्लीज़ अपने घरों में रहिए और स्वस्थ रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए। थैंक यू।